गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग क्लास 12th का चैप्टर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने केस स्टडी डिस्कस की थी रिगार्डिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। तो इसमें हमने देखा था कि कैसे दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने एनुअल सेशन किया था, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये वाला जो पूरा पार्ट है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यू, एज वेल एज अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन राइटिंग आए तो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप ये वाली चीज़ें कि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट, और पूर्ण स्वराज जिसको हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं उस चीज़ को प्रोक्लेम किया गया था, उस चीज़ का नारा दिया गया था, कमिट किया गया था। तो 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, और इस टाइम पे गांधी जी ने एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू की थी कि हमें ये किस तरीके से मनाना चाहिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ लिखा गया था कि हमें ट्रेडिशनल वे में मनाना चाहिए, और इन शॉर्ट ये कहा गया था कि हमें यूनिटी का पालन करना है। और उन्होंने अपर क्लास को, जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो रास्ते में लोग मिल रहे थे, तो उन्होंने अपर क्लास को यही बोला कि अगर आप सच में यूनिटी चाहते हो तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना या किसी और लॉ को ब्रेक करना, बल्कि आपको अनटचेबल्स की, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उन्हें सर्व करना पड़ेगा। तो इसके बाद जब ये हो गया था सॉल्ट मार्च, तो सॉल्ट मार्च का नोटिस गांधी जी ने बहुत पहले ही भेज दिया था, लेकिन वॉइसरॉय इरविन वो ये समझ नहीं पाए थे कि ये इतनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। तो उसके बाद जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो उन्होंने देखा कैसे काफिलों के काफिले लोग जुड़ते चले जा रहे थे गांधी जी के साथ, और गांधी जी ने सबको यही बोला कि हमें अगर ये फ्रीडम चाहिए, हमें ये स्वराज चाहिए, तो इसके लिए हमें सबको साथ में आना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम पारसी सिख, हम सबको साथ में आना पड़ेगा, और यही हमारा स्टेप है टुवर्ड स्वराज। तो वहाँ जो अलग अलग रिपोर्टर्स थे उन सब ने इस चीज़ को कवर किया था, और ये मूवमेंट इसीलिए 3 रीजंस बेसिकली थे कि ये मूवमेंट स्पेशल क्यों है, ये मैंने डिस्कस किए थे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। तो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें 3 रीजंस में एक रीज़न था कि गांधी जी को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला था। इससे पहले मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था कि यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस ने इस चीज़ को कवर किया था। इससे पहले गांधी जी को पूरे इंडिया में वो पॉपुलर हो गए थे, लेकिन वर्ल्ड अटेंशन उनको इस चीज़ के होने के बाद मिली थी। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और काफ़ी सारी डिबेट्स और डिस्कशंस हुई थी, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि वो इकलौते रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कांग्रेस के बिहाफ पे गए हैं, वो सिर्फ कांग्रेस नहीं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। गांधी जी के साथ साथ 3 अलग रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए थे, एक मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने आए थे, एक आए हुए थे प्रिंसेस के जो कहते थे कि प्रिंस जो वहाँ के हैं उनकी टेरिटरी से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, और तीसरे थे B.R. अंबेडकर जो लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए थे। तो गांधी जी वॉज नॉट द ओनली वन, और उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया था। इसके बाद वर्ल्ड वॉर हो गया था और उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट दे दो, तो कांग्रेस और महात्मा गांधी ने मना कर दिया कि हम सपोर्ट तब तक नहीं देंगे जब तक आप एग्री नहीं करते कि आप हमें इस वॉर के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दोगे। तो उस बात से ब्रिटिशर्स एग्री नहीं कर रहे थे। ये महात्मा गांधी की पिक्चर है स्टैनफोर्ड क्रिप्स के साथ, जिनकी क्रिप्स मिशन के ये हेड कर रहे थे। क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था, और क्रिप्स मिशन के बाद, जब फेल होने के बाद, फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्विट इंडिया बेसिकली, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया कि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के बाद महात्मा गांधी ने ये थर्ड मेजर मूवमेंट, ठीक है, तो अब आपको ये याद रहना चाहिए कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो थर्ड मेजर मूवमेंट थी जो गांधी जी ने लॉन्च की थी। इससे पहले वाली थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है।
तो शुरू करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। उससे पहले हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके हम हमारा मोटिव बेसिकली ये है कि हम हर चैप्टर को क्लास 12th के लाइन बाय लाइन डिस्कस करें, एमसीक्यू करें, नोट्स बनाएं, क्विक रिविजन्स करें, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए जब आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो। तो शुरू करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद ये हुआ, लेकिन टाइम पीरियड क्या था जब ये चीज़ हो रही थी? तो क्विट इंडिया मूवमेंट कैंपेन बिगिन इन अगस्त 1942। अगर अगस्त ना भी याद रहे तो एटलीस्ट 1942 तो जरूर से याद रख ही लेना, ठीक है? गांधी जी वॉज जेल्ड एट वंस। तो जैसे ही ये मूवमेंट को शुरू किया गया तो ब्रिटिशर्स वैसे ही डर गए थे। कब डर गए थे? सॉल्ट मार्च के बाद। तो अब वो किसी भी चीज को ना बहुत लाइटली नहीं लेना चाहते थे। तो जैसे ही ये चीज थोड़ी सी शुरू हुई, उन्होंने गांधी जी को जेल में डाल दिया। अब गांधी जी जेल में चले गए तो अब कैसे सारा पूरा का पूरा जो ये कैंपेन है ये कैसे चलेगा? तो जो यूथ एक्टिविस्ट थे, जो यंगर एक्टिविस्ट थे, उन लोगों ने उस चीज को अपने हाथ में लिया कि अब हमें सॉरी अब हमें ये सारा का सारा कैंपेन आगे बढ़ाना है। तो यंगर जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने स्ट्राइक्स करनी और अलग अलग चीजें करनी ऑल ओवर द कंट्री उन्होंने शुरू की। अभी जब हम 1942 में कंट्री की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ना कि इस वक्त हम उस इंडिया की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी उसका हिस्सा है, ठीक है? सो अनडिवाइडेड इंडिया की बात हो रही है। पर्टिकुलरली एक्टिव थे अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया जाएगा तो फिर वर्क करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यंग लीडर्स को भी कोई गाइड करने वाला चाहिए। तो इसीलिए अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस भी काफी हो रहा था। वर सोशलिस्ट मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, जो सोशलिस्ट मेंबर्स थे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में आपको पता है ना अलग अलग आइडियोलॉजीज चल रही थी। अब आपको सोशलिस्ट मेंबर्स कौन थे? तो कांग्रेस में कोई रेडिकल सोच रखता है, कोई सोशलिस्ट है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, पर वो सारे के सारे उस कांग्रेस के बैनर के अंडर आ रहे थे। तो इसमें जैसे एक थी जयप्रकाश नारायण। सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सतारा जो कि वेस्ट में है एंड मधुपुर इन ईस्ट, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स वो प्रोक्लेम्ड। उन्होंने वहां पे अपनी खुद की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सरकार को प्रोक्लेम किया। इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? फटाफट से ब्रिटिशर्स ने फोर्सेस को बुलाया और उनको 1 साल से ज्यादा लगा इस रिबेल को स्टॉप करने में। अगस्त में ये शुरू हुआ और इनको लगभग 1 साल लगा इस पूरे के पूरा जो ये रिबेल चल रहा था इसको संभालने में, इसको खत्म करने में। क्विट इंडिया जो था ये मास मूवमेंट थी, इसमें कोई स्पेसिफिक लोग नहीं, बहुत बड़ी मूवमेंट, तभी इसको थर्ड मेजर मूवमेंट कहा जाता है जो गांधी जी ने की। तो इसमें मास मूवमेंट थी क्योंकि काफी सारे लोग, ऑर्डिनरी इंडियंस, जो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस थे, वो भी इससे जुड़ गए थे। यंग जो कॉलेज छोड़ आए थे और वो जेल जाने को तैयार थे और वो जा रहे थे, ये उन लोगों की भी सिचुएशन थी। कांग्रेस लीडर्स को जेल भेजा जा रहा था, जिन्हा और जो उनके कोलीग्स थे वो पेशेंटली वर्क कर रहे थे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का। क्योंकि जब इससे पहले इलेक्शंस हुए थे, जब मैंने आपको पिछले वाले पार्ट में बताया था कि कांग्रेस ने अपनी पावर गवर्नमेंट में होल्ड की, जिसके 2 साल बाद वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन आ गई थी, तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग को कोई ज्यादा वोट्स नहीं मिले, एंड इवन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। तो इससे इनको रियलाइज हुआ कि मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस मुस्लिम्स पे भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि तभी वो वोट नहीं कर रहे थे, कांग्रेस पावर में आ रही थी। तो इस कारण से जिन्हा और उनके कोलीग्स ने क्या कहा कि हमें अपना पेशेंटली, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने पे फोकस किया उस वक्त। और ये वो वाला टाइम था जब लीग ने पंजाब एंड सिंध प्रोविंस को मार्क किया, प्रीवियसली हैड स्केयर्सली एनी प्रेजेंस, क्योंकि उस वक्त से पहले इस एरिया में कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन अब उनका टारगेट क्या था कि अब हमें यहाँ पे अपनी पकड़ बनानी है, अपना इन्फ्लुएंस जगाना है। जून 1944 में जब ये वॉर खत्म हुआ, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ,
तो गांधी जी को रिलीज किया गया प्रिजन से, क्योंकि ब्रिटेन के लिए वॉर जो इंडिया के अंदर ये लोग लड़ रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट जो बाहर से वॉर चल रहा था वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो तब तक उन्होंने गांधी जी को जेल में रखा, जब वो खत्म हुआ तो उन्होंने निकाल दिया, उनको जेल से रिलीज कर दिया। अब काफी सारी मीटिंग्स हुई जिन्ना के साथ और कोशिश की गई कि जो ये गैप क्रिएट हो गया है किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसको कवर किया जाए, पर ऐसा हो नहीं सका था। 1945 में लेबर गवर्नमेंट पावर में आई और ब्रिटेन एंड कमिटेड इट सेल्फ कि हम इंडिया को स्वराज यानी कि इंडिपेंडेंस देंगे। और उसी वक्त इंडिया में जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने कांग्रेस और लीग को साथ लाने के लिए और काफी सारे सीरीज ऑफ टॉक वाले सेशंस शुरू किए कि बातचीत से हम इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या पता चीजें सुधर जाएं। अब ये 1945 की बात है, अब हम 1946 पे आ गए हैं, बात ही चल रही है अभी तक। अब 1946 में फिर से इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेट्स के। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस जीती जनरल कैटेगरी, बट जो मुस्लिम रिजर्व्ड एरियाज थे वहां पे लीग जीती। ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यहां से ये प्रूफ हुआ था कि अब मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस भी बढ़ चुका है। तो क्या ये से क्या कंक्लूड हो रहा है कि जनरल एरियाज जहां पे दोनों ही लगभग बराबर पॉपुलेशन रह रही है तो वहां पे तो कांग्रेस आ रही है, लेकिन जिन एरियाज में मुस्लिम रिजर्व्ड है जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहां लीग जीतने लग गई थी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाज कंप्लीट। ये जो ब्रिज गैप का सोच रहे थे कि हो जाएगा, डिफरेंस खत्म हो जाएंगे कांग्रेस और लीग में, अब वो खत्म नहीं हो रहे थे, अब वो बढ़ गए थे। कैबिनेट मिशन भेजी गई समर में 1946 में और कैबिनेट मिशन भी फेल हो गई थी। उन कैबिनेट मिशन का पर्पस भी यही था कि कांग्रेस और लीग के बीच में कुछ चीजें ठीक की जा सकें और फेडरल सिस्टम जो इंडिया को साथ रख पाए ऐसी कुछ चीज की जा सके। टॉक्स वर्क नहीं करी और जिन्हा ने डायरेक्ट एक्शन डे, अब आपको ये याद होना चाहिए कि डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 ये डेट को हुआ था, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है याद रखना। अब जिन्हा ने फाइनली जब कुछ भी वर्क नहीं कर रहा, कांग्रेस भी बात कर रही है, कैबिनेट मिशन्स भी आ रहे हैं, लेकिन बात हो नहीं पा रही है, कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, तो फाइनली जिन्हा ने अपनी पावे दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि वी आर वेरी सीरियस, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया। और ये डायरेक्ट एक्शन डे किस लिए था कि वो अपनी डिमांड फॉर पाकिस्तान इसको रख रहे थे। ये हुआ, इसका शुरू हो गया था कि हम डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे 16 अगस्त 1946 को। और इस टाइम पे बहुत ज्यादा रायट्स हुए कैलकटा वाले एरिया में, बंगाल के रूरल एरियाज में, बिहार में, यूनाइटेड प्रोविंसेस और पंजाब का जो एरिया था, ये एरियाज ऐसे थे जिनमें सबसे ज्यादा बैडली हिट हुआ लोगों को, क्योंकि काफी सारे रायट्स हुए, वायलेंस होने लग गया था इन एरियाज में। और मुस्लिम्स सफर्ड, कुछ जगहों पे मुस्लिम सफर कर रहे थे, कुछ जगहों पे हिंदू सफर कर रहे थे। अब 1945 से ये सब चल रहा था, अब 1946 चला गया, 1947 आ चुका है। फेब्रवरी में अब नए लॉर्ड आ गए, वॉइस रॉय आ गए, लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने एक लास्ट कोशिश कहा कि चलो हम भी करके देख ही लेते हैं, क्या पता कुछ फायदा हो जाए। तो एक लास्ट कोशिश वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी की, वन लास्ट राउंड टॉक्स बुलाई गई, लेकिन पिछली हर डिस्कशन की तरह इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। फिर हार के ब्रिटिश ने अनाउंस कर दिया कि अब इंडिया फ्री होगा पर इंडिया डिवाइड भी होगा। तो फॉर्मल पावर जो हमारे पास आई वो आई 15 अगस्त की डेट फिक्स की गई थी। इस डे को काफी सारी जगहों पे इंडिया में सेलिब्रेट किया गया, दिल्ली में प्रोलॉन्ग अप्लॉज हुई जब प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मीटिंग्स करनी शुरू की
इनवोकिंग फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी, इनको फादर ऑफ नेशन इनवोक किया गया। आउटसाइड द असेंबली, जो असेंबली में, ये तो सब असेंबली के अंदर चल रहा था, जो असेंबली के बाहर लोग खड़े थे उन्होंने, क्राउड ने शाउट करना शुरू किया, महात्मा गांधी की जय। तो ये पूरा 1947 तक की डिस्कशन थी, जब फाइनली 15 अगस्त में हमारे हाथ में पावर आ गई थी और इंडिया इंडिपेंडेंट तो हुआ था लेकिन डिवाइड भी हुआ था। तो इससे पहले जब हमने देखा था कि रायट्स हो रहे थे, जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसके बाद 1946 में जब हुआ, उसके बाद 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तो उस टाइम पे भी काफी वायलेंस और रायट्स हुए थे पंजाब वाले एरिया में और बंगाल वाले एरिया में, जो कि बेसिकली डिवीजन का हिस्सा बन रहे थे। अब हम बात करेंगे कि बेसिकली लास्ट हीरोइक डेज, इसमें हम वो वाले टाइम की बात करेंगे जब अब एंड होने वाला है यहाँ पे, अब चैप्टर का भी ये लास्ट ही पार्ट है। हम देखेंगे कि कैसे लास्ट जो डेज थे गांधी जी के, उनमें क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज की और कैसे सिनेरियोज हो रहे थे इंडिया में, और मतलब सेंटर ऑब्वियसली गांधी जी ही रहेंगे इस पूरे पार्ट का। तो ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की टॉपिक में कोई भी डिस्कशन में टॉपिक में डाउट रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आई रियली होप आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। पढ़ते रहिए, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो और या फिर किसी स्पेसिफिक किसी और चैप्टर के टॉपिक में हो तो आप मुझे बता सकते हो। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।